जब मैंने कहा ना कि पानी की रिक्वायरमेंट है, तो उन्होंने कहा कितना पानी जाया हो जाता है समंदर में जाके। मेरी इस पर अपनी पर्सनल स्टडी भी बहुत ज्यादा है, मैं इंजीनियर भी हूं, तो मैंने दो, ये इसका टॉपिक नहीं था, मैंने उसी वक्त कहा कि चीफ साहब मैं एहतरामन आपसे ये कहना चाहता हूं कि पानी जाया नहीं होता, ऑन द कॉन्ट्री पानी ना जाने की वजह से हमारी लाखों एकड़ जमीन समंदर ले गया, ठीक है जी। और ये मिसकंसेप्ट थी ना, तो उन्होंने मेरा ख्याल उसके बाद उस पर ही एक्नॉलेज्ड कि जी वाकई ये प्रॉब्लम है, और उन्होंने पीछे हट गया। और मैंने इसीलिए उधर जरूरी समझा कि ये मिसकंसेप्शन जैसे है ना वो आ गई है, लोग फिर यही कहेंगे, अब वो ढोल पीटने वाले ढोल पीटेंगे जिनके अपने अपने इंटरेस्ट हैं कि जी ये पानी जाया हो रहा है, पानी जाया नहीं हो रहा। मेरा ख्याल है इधर जो बैठे हुए सारे वो तो इस पर एग्री करते हैं कि ऐसी कोई चीज़ नहीं है। सत्तर से निकले तो आपने देखा है पूरी आबादियां अभी हमने इंक्रोचमेंट हटाई भी हैं और वो पानी जरूर आलूदा करती हैं, ठीक है। ये आज का नहीं, सालों का एक प्रॉब्लम है जो उधर हुआ हुआ है। लेकिन हमने क्या किया है, हमने पूरे सिंध के अंदर 726, मुझे याद इसलिए कि आज ही मैंने ये कोर्ट में कहा है, 726 मेजर पॉइंट्स आइडेंटिफाई किए जिनको हमने ट्रीट करके पानी डालना है। और आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये पॉइंट ये है कि ये इश्यूज हैं लेकिन हुकूमत इनके ऊपर काम कर रही है, और जो रिसोर्सेज हमारे पास अवेलेबल हैं उस हिसाब से ही हम कुछ करें। उसमें जो पहले 222 थे या कितने थे पॉइंट्स हैं, उनकी जो है वो प्रोजेक्ट तैयार हो गया है, 400 मिलियन इस साल एलोकेट भी किए हैं मैंने आउटसाइड बजट, और उन पे काम शुरू हो रहा है। तो ये बिल्कुल इशू है और उस पे जो है काम हो रहा है।